बारा नगर परिषद में पूर्व कांग्रेस बोर्ड में बने फर्जी पट्टों का खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। जहां एक परिवादी द्वारा अप्रैल माह में कोतवाली थाने में कराई गई एफआईआर पर कोतवाली पुलिस ने 4 माह बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरपालिका कॉलोनी निवासी एक महिला ने अपने मकान का फर्जी पट्टा बनवाने को लेकर 3 व्यक्तियों पर नगर परिषद के खिलाफ एफआईआर दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा व पूर्व सभापति कमल राठौड़ को तलब किया है। कोतवाली थाने के सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि अप्रैल माह में नगरपालिका कॉलोनी निवासी विद्या देवी मीणा ने 3 लोगों पर नंद बिहारी, पवन बामली व जितेंद्र मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उक्त तीनों आरोपियों ने नगर परिषद के आयुक्त व सभापति से मिलकर मेरे पुस्तैनी मकान का पट्टा बनवा लिया है, जिस पर मैं 1992 से मकान बनवा कर रह रही हूँ और उक्त प्लाट मेरे पति ने सन 1988 से खरीदा था। उन्होंने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच में पट्टा फर्जी पाया गया है, अब यह जांच की जा रही है। यह पट्टा कैसे बना, इसी को लेकर आज आयुक्त मनोज मीणा व पूर्व सभापति कमल राठौड़ को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तीनों ने मिलकर नगर परिषद से मिलीभगत कर हमारे इस प्लॉट का फर्जी पट्टा अपने नाम से जारी करवाया। इस प्रकरण पर हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान हमने इसका रिकॉर्ड प्राप्त किया और रिकॉर्ड में पाया गया कि वास्तव में प्लॉट विद्या देवी के पति ने खरीदा था और विद्या देवी का ही उस पर आज तक काबिज चली आ रही है। परंतु जितेंद्र नंद बिहारी ने किन्हीं लोगों के साथ षड्यंत्र करके और उसका एक फर्जी पट्टा जारी करवा दिया। इसी के संबंध में आज हमने ईओ साहब और तत्कालीन चेयरमैन राठौड़ साहब को इस प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद में अनुसंधान से जैसी कार्रवाई की जाए।